हेलो एवरीवन, वेलकम टू पेप कोडिंग। सो जेनेटिक ट्री की सीरीज में हम अपना अगला क्वेश्चन देखेंगे। ये क्वेश्चन है लेवल ऑर्डर ऑफ अ जेनेटिक ट्री। इस क्वेश्चन में क्या बताया, इस क्वेश्चन में हमें गिवन है एक ऐसा ट्री जेनेटिक 30, 40, 50, 90 और 100। तो इस क्वेश्चन में हमें ऐसा बोला है कि हमें जो जेनेटिक ट्री गिवन है उसे लेवल वाइज प्रिंट करना है। लेवल वाइज प्रिंट करना है का मतलब क्या हुआ, ये इसका हो गया लेट्स से फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल, थर्ड लेवल एंड फोर्थ लेवल। लेवल वाइज प्रिंट कैसे होगा फिर, ये ऐसे होगा कि फर्स्ट लेवल का पहले प्रिंट हो जाएगा, सेकंड लेवल के उसके बाद प्रिंट होंगे 20, 30, 40, थर्ड लेवल का उसके बाद प्रिंट होगा 50, 60, 70, 80, 90 और फोर्थ लेवल के एंड में प्रिंट होंगे, वो होंगे 100 एंड 110। तो विद दिस आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। सोचने की कोशिश कीजिए कैसे करेंगे। सो अब हम इसका सॉल्यूशन डिस्कस करते हैं। लेट्स से हमारे पास एक जेनेटिक ट्री है, ऐसा एक जेनेटिक ट्री गिवन है हमें, ठीक है। इसे थोड़ा सा साइज में बड़ा कर लेते हैं। सॉरी। सो अब हमें जब लेवल वाइज प्रिंट करना है, हमने जस्ट क्वेश्चन में देखा था ये फर्स्ट लेवल है, सेकंड लेवल है, ये थर्ड लेवल है, फोर्थ लेवल है। तो हम सॉल्यूशन अचीव करने के लिए हम एक एक्स्ट्रा डेटा स्ट्रक्चर का यूज करेंगे। उस डेटा स्ट्रक्चर का नाम है क्यू। हम लिस्ट को एज अ क्यू यूज करेंगे पाइथन में, बट क्यू का क्या फंक्शन होता है मैं आपको एक बार बता देता हूँ। क्यू में होता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट वाला प्रॉपर्टी यूज होता है। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का मतलब क्या है, लेट्स से हमारा क्यू ऐसा है, लिस्ट जैसा ही होता है एग्जैक्टली, ठीक है। मैं इसमें अगर कोई एलिमेंट पहले ऐड करता हूँ, लेट्स से e1, फिर e2 जब ऐड करता हूँ वो e1 के बाद ऐड होगा, फिर e3, फिर e4। नाउ जब मैं रिमूव करूंगा या फिर जब मैं निकाल के प्रिंट करने की कोशिश करूंगा तो पहले मैं e1 को ही एक्सेस कर सकता हूँ, e2 e3 को एक्सेस नहीं कर सकता। फर्स्ट जब मैं रिमूव करके प्रिंट करूंगा तो वो e1 होगा। देयरफॉर मैं ऐसा कह सकता हूँ कि मैं ऐड बैक साइड से करूंगा एंड रिमूव फ्रंट साइड से करूंगा। विद दिस आई होप आपको समझ आ गया होगा फीफो कैसे है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, ये इसका प्रॉपर्टी हो गया, ठीक है। रिमूव आगे से होगा, ऐड पीछे से होगा, इसलिए पहले e1 आएगा, देन e2 आएगा, देन e3 आएगा, देन e4 आएगा। सो विद दिस आप सोचने की कोशिश कीजिए कि हम कैसे अचीव कर सकते हैं अपने आंसर को। अगर मैं क्यू का यूज करूं तो मैं क्या कह सकता हूँ, अगर लेट से मैंने क्यू बना ली, ठीक है, एक लिस्ट लिस्ट ही है हमारी है, बस इसको हमने नाम दे दिया क्यू, ठीक है। सो लेट से ये हमारी क्यू हो गई, ठीक है। मैं बोलता हूँ, मैं ट्रैवर्स करना स्टार्ट करता हूँ, मैं बोलता हूँ पहला एलिमेंट एज इट इज डाल दो, टेन, ठीक है। अब नेक्स्ट कुछ भी करने के लिए, ऑपरेशन करने के लिए हमें तीन मेजर स्टेप्स का ध्यान रखना होगा। ये मेजर स्टेप्स क्या है, ये है रिमूव, प्रिंट एंड ऐड, ठीक है। ये तीन मेजर स्टेप्स है, देखेंगे हम कैसे यूज करेंगे। रिमूव बोलता है कि जो फर्स्ट है उससे पहले रिमूव करो, क्यू में जो फर्स्ट एलिमेंट है उसे रिमूव करो। प्रिंट बोलता है कि रिमूव जिसको किया उसे प्रिंट कर दो। और ऐड बोलता है कि अगर उसके कोई चिल्ड्रन प्रेजेंट है, जिस नोड को रिमूव किया उसके अगर कोई चिल्ड्रन प्रेजेंट है तो उसे ऐड कर दो क्यू में। लेट्स सी, देखते हैं कि हमारा कैसे काम करेगा ये। पहले 10 ऐड हुआ, ठीक है। नाउ लेवल 2 पे आए, हमने बोला यार इसके कुछ चिल्ड्रन है तो इनको तो ऐड करना ही पड़ेगा, बट बिफोर एडिंग मेरे को प्रिंट करना पड़ेगा, बट प्रिंट करने से पहले मुझे रिमूव करना पड़ेगा। सो दैट 10 को रिमूव किया, ठीक है, प्रिंट किया, ओके,
अब इसके चिल्ड्रंस को ऐड करते हैं हम, अब ऐड करते हैं 20, 30, 40, ठीक है। आगे देखते हैं, अब आगे देखेंगे तो और अच्छे से क्लियर होगा आपको। अब मैं बोला यार मेरा क्यू का साइज तो जीरो हुआ नहीं है, मुझे कब तक आइट्रेट करना है, जब तक मेरे क्यू का साइज जीरो नहीं हो जाता। ये एक याद रखना, जब तक मेरे क्यू का साइज जो है वो जीरो से ग्रेटर है तब तक ये मेरा आइट्रेशन चलेगा, तब तक मेरा ये मतलब इन शॉर्ट ये मेरे पूरे ट्री पे आइट्रेट होगा, ठीक है। 20 पे आया, 20 पे देखा यार उसके कोई चिल्ड्रन है, हाँ है, उन्हें ऐड करना पड़ेगा। बट बिफोर एडिंग देम क्या करना पड़ेगा, मुझे प्रिंट करना पड़ेगा, बट बिफोर प्रिंटिंग मुझे रिमूव करना पड़ेगा। सो मैंने बोला 20 को रिमूव करता हूँ, ठीक है, हो गया रिमूव। 20 को प्रिंट करता हूँ, कर दिया प्रिंट। अब 20 के चिल्ड्रन ऐड करता हूँ, अब ऐड होंगे 50 एंड 60, ठीक है। नाउ सेम हम क्या करेंगे, अब 30 पे आए क्यूब में हमारा, लेट्स से यहाँ पर अब हम पॉइंट कर रहे हैं 30 के लिए, देखा यार उसके कोई चिल्ड्रन है, हाँ है उसके चिल्ड्रन, उन्हें ऐड करना है, बट ऐड करने से पहले प्रिंट और रिमूव करना पड़ेगा। सो मैंने 30 को किया रिमूव, किया प्रिंट और उसके चिल्ड्रंस को ऐड कर दिया जो थे 70 एंड 80, हो गया। नाउ हम आए नेक्स्ट पे, लेट्स से 30 का हो गया काम, लेट्स से अब हम 40 पे आ गए, ठीक है, बिकॉज क्यूब में 40 है, लेवल वाइज चल रहा है ना। 40 आया, 40 ने कहा यार मेरे कुछ चिल्ड्रन से उन्हें ऐड कर दो यार इस क्यू में, बट उससे पहले क्या करना पड़ेगा, मुझे खुद को रिमूव और फिर प्रिंट करना पड़ेगा। सो मैंने किया 40 को रिमूव, कर दिया प्रिंट। अब बोला उसके चिल्ड्रन को, हाँ ठीक है तू आ जा भाई, वो आ गया, ठीक है। नाउ देखते हैं, यहाँ तक आई होप आपको समझ आ गया होगा। मैं इस क्यू को उठा के यहाँ लेके आ जाता हूँ, ठीक है। नाउ यहाँ पर 90 आ गया, अब हम आते हैं इस वाले थर्ड लेवल पे आते हैं, ये थर्ड लेवल था हमारा, थर्ड लेवल पे आए, हमने बोला 50, यार 50 के कोई चिल्ड्रन है, बोला कुछ भी नहीं है, चलो ठीक है ऐड नहीं हो सकता, तो बाकी के दो स्टेप्स तो कर ही सकते हैं ना, रिमूव एंड प्रिंट। ठीक है, रिमूव किया, प्रिंट किया, ठीक है। इसके लिए दो कॉल्स तो लग गई, ऐड वाली कॉल लगी नहीं क्योंकि नन था, तो अगर कुछ ऐड भी करते तो कोई फर्क नहीं पड़ता था, ये फर्स्ट थिंग हो गई। अब सेकेंड थिंग, 60 पे आए, 60 पे भी सेम सीन हुआ, 60 को किया रिमूव, किया प्रिंट और ऐड करने के लिए कुछ था ही नहीं, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम अब 70 पे, 70 ने भी वही बोला कि यार मेरे पास तो कुछ है ही नहीं ऐड करने के लिए, तो एक काम कर मुझे रिमूव करके प्रिंट कर दे, ठीक है। अब 80 पे आते हैं, 80 ने बोला यार मेरे पास है चिल्ड्रन सो उन्हें ऐड करना पड़ेगा, बट उससे पहले मैं निकल जाता हूँ ताकि उन्हें स्पेस मिल जाए। सो 80 ने अपने आप को कर दिया रिमूव, अपने चिल्ड्रन को कर दिया ऐड, यही था बस। अब आगे क्या होगा, 90 आएगा, 90 बोलेगा यार मेरे पास कुछ है नहीं तो रिमूव एंड प्रिंट करा दो बस मुझे। 100 आया, 100 भी बोला मेरे पास कुछ नहीं है मुझे रिमूव एंड प्रिंट करा दो। 110 भी बोला मुझे रिमूव एंड प्रिंट करा दो। सो देख रहे हमारा डिजायर्ड आउटपुट हमें मिल गया, क्या था हमारा डिजायर्ड आउटपुट, लेवल वाइज प्रिंट करना था, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, आ रहा है उसी लेवल में, उसी ऑर्डर में। सो इससे हमें एक चीज देखने के लिए मिल गई कि जब भी हम लेवल ऑर्डर में प्रिंट करते हैं तो ये हमारा एल्गोरिदम क्यों काम कर रहा है, जो एल्गोरिदम हमने डिजाइन किया वो इसलिए काम कर रहा है क्योंकि जब भी हम ये तीन चीजें खेल रहे हैं ना, इन तीन चीज ये तीन ऑपरेशन यूज कर रहे हैं, तब भी जब जब हम ये तीन ऑपरेशन यूज करते हैं तब लेवल वाइज आता है, यानी कि 10 अगर फर्स्ट लेवल का है तो फर्स्ट लेवल का पहले ऐड होगा, उसके बाद 20 ऐड होगा जो है सेकेंड लेवल का, फिर 30 ऐड होगा जो है सेकेंड लेवल का, इस गिवन ट्री के लिए 30 क्या था सेकेंड लेवल का था, फिर 40 ऐड होगा जो था सेकेंड लेवल का, ठीक है। अब इन पे जब ऑपरेशंस हो जाएंगे रिमूव और प्रिंट, सॉरी रिमूव प्रिंट ऐड के, उसके बाद हमारा क्या होगा, 50 ऐड होगा जो था सेकेंड थर्ड लेवल का, 60 ऐड होगा थर्ड लेवल का, 70 ऐड होगा थर्ड लेवल का, 80 ऐड होगा थर्ड लेवल का, 90 ऐड होगा थर्ड लेवल का। इन शॉर्ट हम ये देख सकते हैं कि जो फर्स्ट लेवल है वो हमेशा पहले आएगा, यानी कि सेकेंड लेवल फर्स्ट लेवल के बाद ऐड होगा, ऐसा नहीं है कि बीच में ही थर्ड लेवल घुस गया, ना ऐसा नहीं होगा, लेवल वाइज चलेगा क्योंकि हम इसके चिल्ड्रंस पे आइट्रेट कर रहे हैं। उसके बाद जैसे ही ये निकल गया, जैसे 20 था, 20 के चिल्ड्रंस को ऐड तो कर दिया, बट क्यू में हमारा क्या आ रहा है, क्यू में हमारा जो एलिमेंट है वो सेकेंड एलिमेंट सेकेंड ऑर्डर वाला ही है, सेकेंड लेवल वाला ही है हमारा एलिमेंट। सो आई होप विद दिस आपको ये क्लियर हो गया होगा कि एल्गोरिदम कैसे काम कर रहा है, ये तीन स्टेप्स आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। एक बार से कोड करके देखते हैं सो आपको अच्छे से और समझ आ जाएगा, ठीक है। सॉरी,
सो हमें क्या करना था, हमें क्या करना था, हमें करना था, नीचे लिखते, हमें फर्स्ट एक लिस्ट क्रिएट करनी थी, ठीक है, उसी को हम एज एन क्यू यूज करेंगे, ठीक है। तो ऐसा लिखते थे, यूज, सॉरी, यूज दिस लिस्ट, एस क्यू, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा क्या था, हमने बोला था कि फर्स्ट तू यार डायरेक्टली ऐड कर दे, जो मेरा फर्स्ट रूट नोड होगा उसे ऐड कर दे। मैंने अपेंड कर दिया उसको, रूट को, ठीक है। नाउ हमने कहा था कि जब तक क्यू का साइज मेरा जीरो नहीं हो जाता, इवेंचुअली देखिए ना, अगर आप नोटिस करेंगे, जब ये सब काम हो जाएगा तो क्यू का साइज तो जीरो हो गया, तो इसके आगे तो मुझे चलाना ही नहीं है ना, देयरफॉर मुझे कहीं ना कहीं तो रोकना होगा, कोई ना कोई तो कंडीशन देनी होगी। तो मैंने बोला व्हाइल लेन ऑफ क्यू, सॉरी, लेन ऑफ क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो क्या करना है, तब तक हमें एक और बार एक चीज देखनी पड़ेगी, कि जो अंदर का जो लेवल का लेंथ है वो भी कम ना हो गया हो, यानी कि अगर मैं डायरेक्टली क्यू पे ही काम करता चला गया, क्यू के साइज के हिसाब से चला गया, तो वो तो जीरो हो जाएगा ना, क्योंकि फर्स्ट मैं रिमूव कर रहा हूँ, तो जब एक एलिमेंट था उस टाइम पे जैसे ही रिमूव किया तो साइज जीरो हो गया, तो मेरा लूप आगे चलेगा ही नहीं। सो इसलिए मुझे ध्यान रखने के लिए एक और एक अलग सा साइज लेना पड़ेगा। नाउ अब हमें क्या करना पड़ेगा, वाइल मेरा एन इज ग्रेटर देन जीरो, ठीक है, एन ग्रेटर देन जीरो, क्या बोला था हमने, फर्स्ट थिंग बोला था कि एक रिमूव कर लो इसको, एक हम रिम का नाम रख लेते हैं, ठीक है। बट रिमूव करने से पहले, मतलब वो फर्स्ट एलिमेंट है, लेट्स से दिस इज फर्स्ट एलिमेंट, दैट इज क्यू का फर्स्ट एलिमेंट, तो क्या था वो, क्यू ऑफ जीरो होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या बोला था हमने, हमने नेक्स्ट स्टेप बोला था कि यार रिमूव करना पड़ेगा हमें, तो क्यू डॉट पॉप जीरो, है ना, हमने फर्स्ट एलिमेंट को कहीं तो कैच कर लिया, उसे रिमूव कर दिया। अब हमारा जो आएगा वो था प्रिंट वाला स्टेप, प्रिंट फर्स्ट एलिमेंट डॉट कॉमा ठीक है। नाउ हम आगे बढ़ गए, अब क्या बोला था हमने, यहां पर प्रिंट हो गया, पॉप हो गया, रिमूव प्रिंट हो गया। अब हमारा था कि अगर उसके कोई चिल्ड्रन हैं तो उन्हें ऐड कर दो, देयर फॉर फॉर चाइल्ड फॉर सी एच इन रेंज, इसकी रेंज में जो करंट रिमूव हुआ है, यानी कि फर्स्ट एलिमेंट जो रिमूव हुआ है हमारा, अगर उसका कोई चाइल्ड है तो उसमें ट्रैवर्स करो और अपेंड करते चले जाओ, या फिर इसको ऐड करते चले जाओ, इसमें अपेंड करते चले जाओ, क्यू में ऐड करते चले जाओ, यानी कि क्यू में अपेंड करते चले जाओ। तो फर्स्ट एलिमेंट डॉट सी एच आई एल डी आर ई एन चिल्ड्रन, सॉरी, चाइल्ड ऑफ आई, ठीक है। नाउ ये सब होने के बाद हमें अंदर वाले इसका तो साइज कम करना पड़ेगा ना, तो हमने वो कम कर दिया, एन माइनस वन। इन द एंड हमें जो क्वेश्चन में बोला है हमें क्या करना है, प्रिंट एक डॉट प्रिंट करना है, तो हमने वो डॉट प्रिंट कर दिया। और लेट्स ट्राई टू रन दिस कोड, और ये एक्सेप्ट हो रहा है, लेट्स ट्राई टू सबमिट दिस, और ये सबमिट हो गया। सो आई होप विद दिस आपको समझ आ गया होगा कि क्यू में हम किस तरीके से ऐड रिमूव कर रहे हैं, ये जो तीन मेजर स्टेप्स है ये कैसे काम कर रही है। सो विद दिस आई होप ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, एंड थैंक यू फॉर दिस वीडियो।